खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां जीएनपी कोतवाली क्षेत्र के जमसर ग्लाटघाट के पास स्थित रॉयल स्टार रेस्टोरेंट में प्रेमी प्रेमिका में नोकझोंक के बाद प्रेमी ने अपने पास मौजूद असलहे के बट से जहां प्रेमिका के सिर पर हमला कर उसको बेहोश कर दिया, वहीं तैस में आकर रेस्टोरेंट के ही टॉयलेट में जाकर खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रूसिया और जीएनपुर कोतवाली पुलिस समेत आसपास के थाने की फोर्स पहुंच गई थी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। शव को कब्जे में ले लिया गया था। बताया जा रहा है कि दोनों रोहवार बैदौली स्थित मैना देवी कॉलेज में पढ़ते थे। प्रेमिका बीटीसी की छात्रा थी, जबकि प्रेमी विशाल पुत्र रामबच्चन जम्मनपुर लाटघाट जैनपुर का निवासी था। छात्रा रोनापाड़ थाना के चिलबिली दाम चिलबिली की निवासी बताई जा रही है। फिलहाल शव को औपचारिक कार्रवाई के बाद थाने पर ले जाया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार दोनों एक बाइक से घूम रहे थे, फिर दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचे और कुछ खाया पिया भी। इसी दौरान किसी बात को लेकर बहस हो गई। जैनपुर आजमगढ़ से रिंकू सिंह के साथ विशाल सिंह की रिपोर्ट। लगभग 2:15 के करीब थाने पर यह सूचना प्राप्त हुई कि जीएनपुर क्षेत्र में लालघाट चौथी के पास ये रॉयल स्टार ढाबा है, तो यहाँ होटल मालिक ने बताया कि यहाँ गोली चल रही है। तो गोली चलने की सूचना पर जो है पुलिस यहाँ पर मौके पर आई और पुलिस के द्वारा यहाँ पर देखा गया कि एक महिला जो है महिला संजू और लड़का विशाल, ये दोनों यहाँ पर होटल पर आए और जो देखकर घटनास्थल और जो प्रारंभिक पूछताछ जो भी प्रारंभ हुई है इसमें ये पता चला है कि दोनों यहाँ पर आए थे। लड़का इनके द्वारा खाना मांगा गया और उसके बाद फिर लोग एक कमरे में चले गए। उसके बाद जब गोली चलने की आवाज़ आई तो होटल वाले द्वारा जब खाने वाले को बुलाया गया तो यहाँ पर देखा गया कि महिला को भी चोट लगी, तो महिला को तुरंत जो है यहाँ पर जिला अस्पताल भेजा गया है। तो उसके बाद जो है जब पुलिस मौके पर आई तो पुलिस ने बाथरूम को देखा, वहाँ अंदर दरवाज़ा बंद था, तो पुलिस के द्वारा जब उसको डंडे से गेट के पिछले हिस्से को तोड़ा गया तो देखा गया कि जो है विशाल जो है कहीं मौके पर अंदर पड़ा हुआ है और उसकी डाइनी कट पट्टी में उसने गोली चलाया, तो बगल में ही तमंचा था और मौके पर फील्ड में टीम को बुलाया गया है। सभी तरह की साज कराने के बाद ठीक है सर, ये घटना लगभग आज कुछ पूछताछ ये थी कि दोनों लड़का लड़की दोनों यहाँ पर आए थे, उधर खाना मांगा गया और उसके बाद एक कमरे में लोग चले गए, गोली चलने की आवाज़ आई और उसमें पुलिस आगे और गेंदता से पूछताछ करी कि पड़ताल करी और सच्चाई सामने। ठीक है सर।